दोस्तों भारतीय टीम ने पहले T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को 7 ओवर में हराने के बाद उसकी औकात याद दिला दी और तोड़ दिया 90 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं भारत ने वेस्टइंडीज को कैसे रौंदा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों WTC फाइनल के बाद भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज हुआ, जिसका पहला मुकाबला उड़ीसा के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 5 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा रोहित शर्मा ने 95 रन की तूफानी पारी खेली, तो वही सूर्य कुमार यादव ने 65 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब वेस्टइंडीज की टीम जब मैदान पर आई तो वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के भारतीय गेंदबाजों ने परकच्चे से उड़ा कर रख दिए और वेस्टइंडीज की टीम को केवल 7 ओवर में ही 78 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा काइल मार्श ने 45 रन का योगदान दिया और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाया। हालांकि भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए, तो वही मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट चटकाए।